नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर में जहां नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, इसी बीच कल रात की बात करते हैं तो कल जिला सांबा पुलिस ने जो है इसी तरह से एक और मामले को जो है सामने रखा है, जिसमें आपको बता दें कि एक ट्रक चालक और उसी के साथ साथ उसका एक साथी जो उसी के साथ मौजूद था, इनसे जो है 6 क्विंटल भुक्की जो है वो बरामद की गई है। जी हां, आपको बता दें कि जिला सांबा के मानसर चौकी पर जो है पूर्ण रूप से नाका लगाया गया था और नाके में जब एक ट्रक को जो है पूर्ण रूप से उसकी छानबीन करने की कोशिश की गई, जब उसमें जो है एक तरह से जाँच पड़ताल करने की कोशिश की गई तो उसमें कुछ ऐसा संदिग्ध जो सामान है वो उन्हें जो है एक तरह से खबर मिली और उसके बाद जब पूर्ण रूप से जाँच की गई तो उसमें जो है 6 क्विंटल भुक्की जो है उस ट्रक में बरामद की गई। आपको बता दें कि करीब 26 बैग जो है उसमें ये 6 क्विंटल भुक्की जो है ये भरी हुई थी और उन शख्स की अगर बात करते हैं, उन दोनों शख्स की भी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है और पता भी अब जो है लगा दिया गया है कि आखिर ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसमें भी आपको बता दें कि ये दोनों जो शख्स हैं ये अनंतनाग डूरू के रहने वाले हैं और इनकी पहचान की बात करते हैं तो एक का नाम आरिफ अहमद परे, पुत्र गुलाम हसन परे और जो उसका साथी था उसका नाम शाबिर अहमद पुत्र हबीबुल्ला, दोनों जो ये लोग हैं ये अनंतनाग के रहने वाले थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नशा तस्करी के मामले जो हैं ये दिन पर दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस ट्रक की अगर बात करते हैं तो ये कश्मीर से सांबा की ओर आया था और वहाँ पर जब उस चौकी पर जो है पूर्ण रूप से इसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि 6 क्विंटल भुक्की जो है इस ट्रक में भरी भरी मिली है। इसी के साथ एक और दूसरे मामले की अगर बात करते हैं तो जम्मू के नरवाल इलाके में भी हेरोइन तस्करी का मामला जो है ये सामने आया है, जिसमें भी जो है 2 शख्स को पकड़ा गया है। इसमें आपको बता दें कि नरवाल इलाके में भी इस तरह से DSB के जवानों ने जो है इस पर जो है पूर्ण रूप से बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ये 2 शख्स को जो है पकड़ा गया है। इन शख्स की भी अगर बात करते हैं तो इन शख्स की जो पहचान बताई जा रही है आशिक हुसैन और खालिद हुसैन, ये दोनों निवासी जो हैं ये मलिक मार्केट नरवाल के रहने वाले हैं और ये एक ऐसी स्कूटी पर दोनों शख्स सवार थे जिस स्कूटी पर जो है नंबर प्लेट तक भी जो है वो नहीं लगी गई थी। तो जब पुलिस ने DSB की जहां पर बात करते हैं तो रविवार दोपहर को जो है इस तरह से जब जवानों को सूचना मिली कि राजीव नगर इलाके में 2 युवक इस तरह से घूम रहे हैं जिनके पास मादक पदार्थ यानी कि हेरोइन जो है ये हो सकती है, और उसके बाद जब ये पूर्ण रूप से इस पर जो है कार्रवाई की गई DSP के जवानों की अगर बात करें तो उसके बाद इन दोनों शख्स को पकड़ लिया गया। इनके पास जो स्कूटी बरामद की गई है जिसमें आपको बताया कि उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी और इनसे जो है हीरोइन बरामद की गई है, और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 1 पैकेट में हीरोइन जो है वो बरामद हुई। तो अब दोनों को जो है हिरासत में ले लिया गया है और पूर्ण रूप से कार्रवाई की जा रही है और बाहू पुलिस थाने में अब इन दोनों शख्स को जो है वहां पर रखा गया है और वहां पर पूर्ण रूप से इनसे पूछताछ जो है वो अब की जा रही है कि हीरोइन आखिर इनके पास कहां से आई और ये आगे कहां पर जो है लेकर ये हीरोइन जाने वाले थे। तो यानी कि इस तरह के मामले जो है ये लगातार सामने आ रहे हैं। और इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगर बात करते हैं तो उन्होंने भी कल जो है इस तरह से एक सेरेमनी में जो है अपनी बात रखी, जहां पर आपको बता दें कि शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में एक लीडरशिप सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया था और इस आयोजन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा कि पड़ोसी मुल्क जो है वो अब युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है नशे की ओर धकेलना चाहता है और उनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर अभी आतंकवाद से जो लड़ रहा है और आतंकवाद को यहाँ से ख़त्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी, एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो पड़ोसी मुल्क अब रच रहा है ताकि यहाँ के युवा अगर आतंकवाद की ओर जो है नहीं धकेले जा रहे हैं, उसमें वो नाकामयाब हो रहे हैं, तो अब यहाँ के युवाओं को नशे की दलदल में जो है वो लेकर उन्हें जो है उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाए। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि तमाम उन युवाओं को भी समझने की ज़रूरत है, हमारे समाज को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपको अब अपने लिए सही फैसले लेने होंगे और ये देखना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से सेफ रख सकते हैं, और जो भी ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर रची जा रही है, उससे अब युवा जो हैं युवाओं को उसमें जो है उसको समझने की ज़रूरत है और सुधरने की ज़रूरत है। और क्योंकि जहाँ पर पहले की अगर बात करते हैं तो बहुत सुधार भी जो है अब जम्मू कश्मीर में आया है, लेकिन इस बीच जहाँ पर इस तरह की जो खबरें हैं दिन पर दिन सामने आ रही हैं, जहाँ पर लगातार नशा तस्करी के मामले जो है वो सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं,
इस जाल को जो है पूर्ण रूप से खत्म करने की जरूरत है, ताकि जड़ से ही इस इन तरह की जो भी जो गैंग या जो ग्रुप इस तरह के बने हैं, जो नशा जो एक तरह से तस्करी करते हैं और युवाओं को या यहाँ के लोगों को इस दलदल में फंसाने के प्रयास करते हैं, उन पर अब कड़े से कड़ा शिकंजा प्रशासन भी कस रहा है और आम जनता जो है उनका भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो भी प्रशासन का पूर्ण रूप से साथ दें। तो चलिए इसी के साथ अब कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर ले लेते हैं। बिलाल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बिलाल। मोहम्मद महरूफ कह रहे हैं गुड स्टेप, बिल्कुल प्रशासन पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है कि हर वो कदम उठाए जाएं जिससे युवाओं को जो है सही राह पर लाया जाए। वहीं तंतरे महराज कह रहे हैं हाय हेलो। जहूर अहमद पूछ रहे हैं हाउ आर यू मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। इरफान वानी कह रहे हैं गुड जॉब, बिल्कुल। इकबाल वानी कह रहे हैं ड्रग्स फ्री कश्मीर, बिल्कुल इकबाल, ये एक तरह से सपना है कि जिस तरह से आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, उसी तरह से अब जिस तरह से ये नशा जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, अब एक सपना जो है यहाँ पर अब लेकर चलना चाहिए, एक वो ठान लेनी चाहिए कि अब ड्रग फ्री कश्मीर जो है या ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर जो है वो हमें बनाना है। तो चलिए अभी के इस अपडेट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।